हाय गाइस, मैं हूं सुमित पांडर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर धार MP11। सो गाइस, आज हम आए हैं बलखंडी महादेश्वर मंदिर। तो यहां पर आपके महादेव जी के दर्शन कराएंगे हम, और साथ ही बताएंगे कि यहां पे एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, उस हनुमान मंदिर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे आगे के वीडियो आपको आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं बलखंडी महादेश्वर मंदिर, आइए देखते हैं कैसा है नजारा। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं बलखंडी महादेश्वर मंदिर और देखेंगे इस प्राचीन मंदिर में अंदर स्वयंभू महादेव, यहाँ संत महाराज रहते हैं, इनकी कुटिया में इनका सामान रखा है, संत महाराज का सामान, ये गुरु नित्यानंद बाप जी, माँ गढ़कालिका, यस ढोल रखा हुआ है, ये है बलखंडी महादेव मंदिर, स्वयंभू अति प्राचीन चट्टानों में स्वयंभू इन्होंने निकले थे, यहाँ से अवतार लिया था, अवतरित हुए थे। प्राचीन लोग इनके बारे में बताते हैं कि ये स्वयंभू है, किसी ने यह मंदिर नहीं बनाया। देखा, आप लोग देख सकते हैं, ये सर्वेश्वर दास जी महाराज रामपाल की, जिसपे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, जरूर आप रामपाल की का वीडियो जरूर देखें, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये बलखंडी महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन अद्भुत, और ये हमारे भोले बाबा, बहुत ही छोटी पिंडी है, बहुत ही प्राचीन छोटी सी पिंडी, बहुत ही प्राचीन है, चट्टानों में अवतरित हुई। ये देखो, चट्टानों को कलर से पोत दिया गया है, मंदिर भी आपको काफी प्राचीन दिखेगा, काफी प्राचीन बना हुआ। तो आप जरूर आए यहाँ पर, एक बार तो आए दर्शन करें। पांडर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर धार MP11। हम आए हैं बलखंडी में, धार के बलखंडी मंदिर में, और बाबा से हमने दर्शन किए हैं। बाबा से अब हम मंदिर के बारे में पूछना चाहते हैं। तो बाबा, आपका नाम बताइए। मेरा सोमनाथ महाराज नाम, सोमनाथ महाराज बाबा का नाम है। और बाबा, आप कब से यहाँ पर? 2014 से बाबा यहीं पर है, सेवा देते हैं। बाबा, मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर के बारे में बहुत प्राचीन बताया जाता है ना, इधर के लोग भी है, दो चार अभी आते जाते हैं, जो सुबह शाम नीचे, अभी जो इधर नीचे मकान है जी, वो शिवरात्रि में तीर वगैरह बटवाते हैं, नंदू राठौड़ है, क्या साड़ी वाला जी, वो ना एक राधिका गार्डन वाले जी, यहाँ ऐसे करके ना ये नीचे वाले पानी देते हैं, नीचे वाले पानी देते हैं, हाँ नीचे वाले पानी देते हैं, मोटर लगी है नीचे अपनी, यहाँ स्टार्टर लगा है ना, सब पानी व्यवस्था, पानी होता है, कोई दिक्कत। मंदिर बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन है, 40 साल हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ढेर सारे आते हैं, शिवरात्रि में मेला लगता है, शिवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है, और यूँ आते रहते हैं, वो बहुत प्राचीन है ना, धार का ही, धार का प्राचीन मंदिर है, धारनाथ के बाद में यही नंबर है इनका, धारनाथ के बाद हमारा बलखंडी महादेव का मंदिर है, बाबा का ऐसा कहना है। और बाबा, और बताइए, स्वयंभू है, किसी ने मंदिर बनाया नहीं है, चट्टानों में बनाया है, लेकिन भगत लोग वो पुराने जो थे वो बिखर गए जुड़े थे, मतलब मंदिर धीरे धीरे बना है, पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू, वो खुद प्रकट हुए हैं,
और कुछ कहानी भी है माता जी के बारे में। माता जी के बारे में शिव और शक्ति दोनों ये आदि अनादि काल से जो है वो तो है ही है, राजा महाराजाओं की देन है जी। ये जो है ये भगत लोगों के सहयोग से जो है यहाँ प्रकट हुए है भगवान। जो ढोर ढांडा चराने वाले थे, जिनकी जमीन थी भूमि थी जी, उन्होंने दान करा, उन्होंने दान किया रजिस्ट्री करवाया जी। क्या एक पीछे भी नवग्रह सूर्य नारायण मंदिर बना है, पीछे जो मंदिर है वो सूर्य नारायण मंदिर है, नवग्रह मंदिर है। हाँ, वो भी सहयोग से ही बना है, नगर सहयोग से बना है। यहाँ स्वयं सेवा हम ही देते हैं, यहाँ जो भी आता आने जाने वाला भूखा प्यासा उसकी सेवा हम ही सेवा बाबा करते हैं। बाबा बता रहे कि यहाँ दो चार लोगों का खाना तो एक्स्ट्रा बनता ही बनता है। बाबा खुद बनाते हैं, हम स्वयं बना के खिलाते हैं। तो भैया अभी महात्मा लोग भी आते हैं, आते जाते हैं, उनकी सेवा हम ही करते हैं। महीना दो महीना रुकते हैं यहाँ हमारे समाज के कोई भी समाज संप्रदाय का कोई भी जी, उसकी सेवा भी बाबा जो अपने से होती है, दिल जान से जो भी है अपने पास में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, धन मन धन सब तेरा तुझको, जय को बाबा, हमारा कुछ नहीं है परमात्मा, वो बैठा है करवाने वाला। जाते हैं दो घंटा नगर में ना अपना सब्जी भाजी मार्केट करके ना ये आ रहे बाबा, नगर में जाते हैं भिक्षा लेते हैं और उसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं और लोगों को भी साथ में प्रसाद देते हैं और खाना खिलाते हैं। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ आए और बाबा के भी दर्शन करें, बाबा से भी मिले। देखो स्वयं व्यवस्था करके लाते बाबा ये सब। तो बलखंडी में महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि का जो भी प्रोग्राम होगा वो महाराज जी आपको बताएंगे, तो बताइए महाराज जी क्या क्या। रामायण जी महारानी रखते हैं एक दिन पहले, रामायण महारानी रख के फिर उसका जो है शाम को भोजन भंडारा दूसरे दिन रहता है, ये पूर्णावती होती है रामायण बैठेगी एक दिन पहले जी, जी। और ना शिवरात्रि को सुबह सुबह समाप्त कर देंगे, है नहीं हाँ। चलेगी फिर शिवरात्रि चलती रहेगी हाँ। और इस बार क्या मेला भी यहाँ पर लगेगा, मेला लगेगा मेला यहाँ पर लगेगा, प्रसादी भी होगी और रामायण का पाठ चालू हो जाएगा, भोजन भंडारा भी रहता है, भोजन भंडारा बाल गोपाल कॉलोनी के ये जो रहते हैं सब सभी आएंगे, भंडारा भी भंडारा रहता है। तो लोग तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, 200 आदमी का भोजन बधाइए और मंदिर को जरूर विजिट कीजिए, जरूर दर्शन कीजिए। तो नाथ जी महाराज का सब दूर भोजनशाला, बलखंडी की भोजनशाला यहाँ पर ये सभी बर्तन रखे गए हैं, यहाँ पर भक्तगण आते हैं। 50-50 आदमी का भंडारा होता है, 50-50 आदमी की दाल बाटी बनती है, प्रोग्राम यहाँ चलता रहता है, बर्थडे छोटे मोटे बर्थडे बनाने भी यहाँ आते हैं लोग, बर्थडे मनाते हैं, बहुत बढ़िया। 25-25, 30-30, 50-50 बच्चे आए तुम्हारे जैसे युवा, हाँ पूरे धार के नगर पालिका वाले जितने कर्मचारी सभी आए, सभी आते हैं यहाँ पर। माता का मंदिर, सती माता मंदिर, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जैसा कि भोलेनाथ जी के साथ नाग देवता तो होते ही होते हैं, तो नाग देवता का मंदिर ये है, प्राचीन नाग देवता का मंदिर शेषनाग महाराज। और आइए चलते हैं हनुमान मंदिर की ओर, ये है प्राचीन हनुमान मंदिर बलघंटी बाबा का, और यहाँ पे चोला चढ़ाया जा रहा है, कई श्रद्धालु यहाँ सेवा करते हैं, इनमें से एक श्रद्धालु हमारे विवेक पांडे जी, चंकी पांडे। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी का कर दिया गया है, ये माला अर्पण हो रही है। जय हो सीताराम। ये देखिए क्या सुंदर अद्भुत चोला चढ़ाया है हमारे विवेक भाई पांडे ने, और
क्या सुंदर दृश्य है, देखिए। हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए हैं बलखंडी की पहाड़ियों पर और ये यहाँ पर लोग मन्नतें लेते हैं, अपना घर बनाते हैं, ईंटें रखते हैं। ये देखिए, आप भी कभी यहाँ आए तो कम से कम एक ईंट तो रख के जाए ताकि आपका एक मंजिला घर तो बने, ठीक है। प्रयोग करने में क्या जाता है करके देखिए। चलिए चलते हैं आगे और हसीन नज़ारे देखिए, आइए। हाय गाइस, मैं आपको राजा भोज के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने धार में 12.5 तालाब बनाए थे। जी हाँ, 12.5 तालाब बनाए थे। तो लोग अक्सर इस पहाड़ी पर इसलिए आते हैं कि वो उन तालाबों को देख सके, और प्राचीन समय में यहाँ पर वो तालाब दिखते भी थे। अभी आपको कुछ तालाब यहाँ पर दिख जाएंगे, पूरे 12.5 तालाब तो नहीं दिखेंगे, कई नष्ट हो गए हैं। तो आपको कुछ तालाब तो यहाँ से दिख जाएंगे, जैसे कि मेरे पीछे एक तालाब है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए देखते हैं। लोग यहाँ अक्सर राजा भोज द्वारा निर्मित 12.5 तालाब देखने आते हैं, जिनमें से ये एक है, उसके पास और तालाब है। ऐसे पुराने समय में धार में पूरे 12.5 तालाब थे, एक तालाब ये रहा। धार का गढ़ कालिका मंदिर, प्रसिद्ध प्राचीन गढ़ कालिका मंदिर, और उसके ही पीछे आपको जस्ट दिख रहा होगा मुंज सागर तालाब। और ये थोड़ा सा और जूम करें हम तो धार का किला भी आपको दिख रहा है। तो बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ से आपको पूरे धार का दृश्य दिखता है। आइए आप कभी विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पूरा धार शहर दिखता है यहाँ से, लगभग पूरा धार शहर दिख जाता है। और धार शहर के आसपास की प्राकृतिक सौंदर्यता, उसका नज़ारा तो बहुत ही अलग है। और ये भैया, ये पवन चक्कियों वाला जो दृश्य है ना, ये तो 4 चांद लगा देता है। ये दृश्य भी बहुत सुंदर लगता है, कहीं से भी आप देखिए इस दृश्य को, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर दृश्य। गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। बाय।